बसमिल वरमि वर्काता हूँ अज़ीज़ तलबा व तलबात मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईस उद्दीन काजी फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं आप तमाम का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काजी आरार पर खैर मकदम करता हूँ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे दरख्वास्त की है कि सर मैथ्स और साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा सलूशन के वीडियोज़ आप हम तक पहुँचाने की कोशिश करें मैं अब तक 2013 पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स के तीन वीडियोस तीन पार्ट्स में बना चुका हूं जिस हर एक वीडियो में मैंने दस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने की कोशिश की है स्टूडेंट्स आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास है मैं इस वीडियो में साल 2014 पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने की आपको कोशिश करूंगा मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने की मैंने कोशिश की है जो आपको दूसरे वीडियोस में जिन्हें स्किप कर दिया गया है जिनके सॉल्यूशंस दूसरे वीडियोस में आपको बामश्किल मिलेंगे और अगर उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हों तब भी उसको बहुत ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा टाइम लगा कर सॉल्व किया गया है तो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए अगर आपको पसंद आए आपकी मालूम में इजाफा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि आपके इस लाइक से मुझे भी हौसला मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकूँ स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर आर पर जो पहली मरतबा जॉइड हुए हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह हम हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर आर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की आपको इंफॉमेसन सबसे पहले हासिल हो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन जैल में से जोड़ मुफरद आदात की शनाख्त करने वाला मुतबाद कौन सा है स्टूडेंट्स ये चार ऑप्शनस यहाँ दिए गए हैं जोड़ मुफरद आदात प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो डिवाइड होते हैं ख़ुद से या फिर वन से या यूँ समझ लीजिए कि जिनका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई इट्स सेल्फ एंड वन डेट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर उसको प्राइम नंबर कहते हैं और प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं टू से वन टू हंड्रेड देर आर ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स एक से सौ में तकरीबन टोटल पच्चीस प्राइम नंबर्स हैं अब देखिए स्टूडेंट्स के ट्विन प्राइम किसको कहते हैं जिसको हम जोड़ मुफरद आदात कहते हैं ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनमें दो का डिफरेंस होता है फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री एंड फाइव थ्री भी प्राइम नंबर है फाइव भी प्राइम नंबर है और उसमें डिफरेंस दो का है फाइव एंड सेवन टू का डिफरेंस है सेवन के बाद आगे बढ़े प्राइम नंबर अगला है एलेवन अलेवन एंड थर्टीन टू का डिफरेंस है तो स्टूडेंट्स इस तरह से टोटल पहले सौ नंबर्स में पच्चीस प्राइम नंबर हैं और उसमें आठ जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है ट्विन प्राइम नंबर पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर का नॉलेज भी चेक किया गया और डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपका चेक किया जा रहा है तो हम देखते हैं कि कौन सी जोड़ी है मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनमें डिफरेंस दो का होता है यहाँ भी दिख रहा है दो का डिफरेंस यहाँ भी दिख रहा है दो का डिफरेंस इनमें भी दो का डिफरेंस है इनमें भी दो का डिफरेंस है लेकिन आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ट्विन प्राइम है देखिए कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ ख़ुद से या वन से डिवाइड होते हैं इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे और ईवन भी नहीं होते हैं सिर्फ एक ही प्राइम नंबर जो ईवन है वो टू है तो हम ये करते हैं कि थ्री से इनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट थ्री के लिए क्या है कि जो नंबर के डिजिट्स का सम थ्री से डिवाइड हो जाए वो थ्री से डिवाइड होता है यहाँ हम सम करेंगे फाइव होगा थ्री से डिवाइड नहीं होता है यहाँ सम करें ट्वेल्व होगा थ्री से डिवाइड हो जाता है यानी ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर ये जो पेयर है वो ट्विन प्राइम नहीं होगी ये ऑप्शन गलत यहाँ देखते हैं सिक्स इन डिजिट का सम थ्री से डिवाइड होगा इसलिए ये प्राइम नहीं है ये पेयर भी ट्विन प्राइम नहीं है ये ऑप्शन भी गलत हो गया है यहाँ चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि ये हो रहा है टेन थ्री से डिवाइड नहीं होता है लेकिन यहाँ देखिए आप कि ये सेवनटीन है ये भी थ्री से डिवाइड नहीं होता है चलिए इसको इस ऑप्शन इस को देख लेते हैं कि टेन प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन थ्री से डिवाइड होता है ये भी प्राइम नहीं है और ये पेयर ट्विन प्राइम नहीं है इस तरह से करेक्ट जवाब जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा जो कि ट्विन प्राइम की जोड़ी को ज़ाहिर करता है क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा 13 से 88 तक जो जुफ्त और ताक आदाद हैं उनके मजमु का फर्क क्या होगा आपको बताना है तेरह से 88 तक इवन नंबर्स का सम और ऑड नंबर्स का सम इसका डिफरेंस आपको बताना है तो स्टूडेंट्स देखिएगा इस ये जो क्वेश्चन है वैसे टेंथ लेवल का क्वेश्चन है हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाद पढ़ा है इस पर आप आ, मेरा वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल काजी आर आर पर प्ले लिस्ट अर्थमेटिक में अवेलेबल है आप आ, वो वीडियो देखें जिसमें मैंने फार्मूला किस तरह से इसका बनता है वो बताने की कोशिश की है ये इसका इस क्वेश्चन का बेस वहाँ पर है आप कोई इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सी मरतबा टी, -टी एग्ज़ाम में पूछा गया है इवन और ऑड नंबर्स के सम और डिफरेंस पर इसलिए आप उस फार्मूले को बनाना सीख जाए तो इनशाला आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स आप कंपेयर करें मैं किस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ और दीगर यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियोस में इसका सोल्यूशन कितने टाइम में दिया गया है स्टूडेंट्स आपको एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन वैसे आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन आप एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश उस वक्त कर पाएंगे जब आपको इसका बेसिक फार्मूला पता होगा तो स्टूडेंट्स मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपको एन टर्म्स का यानी एस एन का फार्मूला इसके लिए मालूम चाहिए एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो स्टूडेंट्स देखिए हमको दोनों इवन और आउट के डिफरेंस निकालना है यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक तेरह से अट्ठासी तक आप इवन और आउट नंबर्स कितने होते हैं तो इक्वल होते हैं या आपको यहाँ देखिए इसके बाद जो आएगा फोर्टीन आएगा फ़ोर्टीन से एट्टी एट तक कितने इवन नंबर होते हैं ये इनका आप डिफ़्रेंस ले लें कि 88 एट माइनस फोरटीन आपको मिलेगा 74 डिफरेंस है इनमें इसका हाफ कर लें तो टोटल इसमें इवन नंबर होंगे मतलब कि सेवन प्लस ये जो हमने फ़ोटीन एक छोड़ा ये एक थर्टी एट ईवन नंबर है स्टूडेंट्स उसी तरह से ऑड भी उतने ही होंगे इवन और ऑड नंबर थर्टी एट होंगे यानी एन की वैल्यू आपको थर्टी एट मिल गई है अब आप एस एन इवन माइनस एस एन ऑड इस तरह ले लें एन बाय टू टी वन प्लस टी एन की वैल्यू डाल दें कि एस एन इवन वन थर्टी एट बाई टू पहला इवन नंबर फोरटीन लास्ट वाला एटी एट ये हो जाएगा नाइनटीन इसको सम कर लें 102 सौ दो एस एन ईवन एस एन ऑड उसी तरह से एन की वैल्यू 38 ही रहेगी इवन ऑड 38 है 38 का हाफ कर दें आप 19 होगा इन टू पहला ऑड नंबर 13 है और आखिर का 87 है तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हो गया 100 इन टू नाइनटीन एस एन ओ देखिए इवन का सम ज़्यादा है ऑड के सम से एस एन ई वन माइनस एस एन ऑट ले लें नाइनटीन इंटू वन हंड्रेड टू माइनस नाइनटीन इंटू हंड्रेड नाइनटीन कॉमन निकाल लें हंड्रेड एंड टू माइनस हंड्रेड ये बचेगा यहाँ पर टू मल्टीप्लाई कर दें थर्टी एट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री देखें कि जेल के, के मुतबाद में से पाँच की कुत मनफी दो फाइज टू पावर माइनस टू की मकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू जाहिर करने वाला आदत कौन सा है ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको फाइज टू पावर माइनस टू की प्लेस वैल्यू जाहिर करने वाला इसमें से कौन है फाइंड करना है आपको इंडा लॉ पता होगा एस टू पावर माइनस एन रहा तो हम लिखते हैं ए, ए, वन अपॉन एस टू पावर एन तो इस तरह इसको लिखा जाएगा वन अपॉन फाइव का स्क्वायर पावर माइनस है तो आप नमेटर से डिनोमीटर में लाए प्लस हो जाएगी मिस वन बाय ट्वेंटी फाइ अब इसको आप हंड्रेड uh, में कन्वर्ट की कोशिश करें परसेंटेज में तो फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव इंटू दिस वन फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हंड्रेड हो जाएगा यह होगा हंड्रेड और यह होगा फोर तो आप ये ज़ीरो को कैंसिल करें तो डेसिमल दो से बढ़ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ये प्लेस वैल्यू है फाइज टू पावर माइनस टू की यानी कि डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट फोर तो यह इसमें भी नहीं है दूसरा इसमें डेसिमल के बाद पहला है इसमें तीसरा है यहाँ पर दूसरा है मीन्स ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स एक मिनट से भी कम वक्त में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर देखिए इसमें कहा गया है कि थर्टीन दिसंबर टू थाउजेंड फोरटीन को सैटरडे था तब पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ का दिन कौन सा होगा ये आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स सूरज की जो सातवीं सालगिरह है वो इस दिन है तेरह दिसंबर 2014 को सैटरडे का दिन है तो उसकी पैदाइश का दिन क्या होगा सूरज का तो स्टूडेंट वो सात साल का वो सातवीं उसकी सालगिरह है इसका मतलब वो सात साल का हो गया है आप इसमें से सात साल माइनस कर दें तो आ जाएगा 2007 को उसका जन्म हुआ है अब 2007 को वो पैदा हुआ है तो उस तारीख़ का दिन क्या था तो यहाँ देखिएगा आपको मालूम है कि जो दिन साल की पहली तारीख को होता है वही दिन साल की आखिरी तारीख को होता है यानी मिसाल के तौर पर कि 2013 हज़ार तेरह एक जनवरी को पीर का दिन था तो 2013 हज़ार तेरह इकतीस दिसंबर को पीर होगा यानी 2014 हज़ार चौदह एक जनवरी को एक दिन आगे बढ़ जाएगा लेकिन लीप ईयर रहा तो दो दिन आगे बढ़ जाता है इस तरह से अभी हमको पीछे जाना है तो एक एक दिन हम कम करते जाएंगे यहाँ देखिए सात साल तो सात दिन कम हो जाएंगे वैसे ही जब हम आगे जाएंगे हर साल एक, एक दिन आगे बढ़ता जाएगा जो 2013 हज़ार तेरह एक जनवरी को दिन था पीर तो दो हज़ार चौदह एक जनवरी को जो होगा मंगल होगा इस तरह पीछे जाएँ तो एक एक दिन कम करना पड़ेगा आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ तो हम सात दो हज़ार सात पीछे गए सात साल तो सात दिन ये कम हो गए अब टोटल यहाँ पर देखिए आप कि स्टूडेंट्स इसमें ईयर कौन सा है ईयर पहचानते हैं जो फोर से या फोर हंड्रेड से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर इसके अंदर जो आ रहा है वो इससे एक साल पहले का तेरह नहीं है बारह ईयर है चार से डिवाइड हो जाता है लास्ट टू डिजिट तो चार से डिवाइड हो जाता है दो हज़ार बारह में लास्ट के दो डिजिट बारह हैं जो चार से डिवाइड हो जाएगा इसलिए दो हज़ार बारह लीपियर एक ईयर हो गया तो एक दिन यहाँ बढ़ा लीजिएगा और दो हज़ार सात से पहले दो हज़ार आठ आएगा वो भी लीप ईयर एक दिन बढ़ा लीजिएगा टोटल नौ दिन है अब इसके हफ्ते बना लें सात से डिवाइड कर दें यानी फिर क्या बचेगा रिमाइंडर टू अब हफ्ता हो गया मतलब शनीचर से पीछे भी गए आप सात दिन तो सनीचर ही आएगा उससे एक दिन पीछे जुमा और उससे एक दिन पीछे जुमेरात यानी कि पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे यूट्यूब पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं बहुत लेंदी तौर से उसको समझाने की कोशिश की है मैंने आपको बड़ी आसानी के साथ और कम वक्त में समझाने की इसकी कोशिश की है आप इस बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी मुतला शक्ल में मुतमाशिल की कितनी जोड़ियाँ हैं द नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल पेयर्स यू हैव टू फाइंड इन द फीगर ऑप्शन आर गिवन फर्स्ट ऑप्शन सिक्स सेकेंड ऑप्शन ट्वेल्व थर्ड ऑप्शन एटीन फोर्थ ऑप्शन ट्वेंटी स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर 2014 मैथ्स पेपर फर्स्ट के जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं तो उसमें इस क्वेश्चन को इस तरह स्किप कर दिया गया है कि ऐसा क्वेश्चन हो ऐसे रेक्टेंगल में आपको कॉन्ग्रेंट एंगल बताने हैं तो वो बीस आते हैं यानी आपको रिसाइड कर लेना है दिस इज़ नॉट द गुड वे स्टूडेंट्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोज़ में इसको स्किप ही कर दिया गया है और कहीं पर इसको सॉल्व किया गया है तो बहुत ज़्यादा उसको लेंदी बना दिया गया है बीस एंगल्स लिख कर बताने में बहुत टाइम जाता है स्टूडेंट्स कॉम्पिटिव एग्ज़ाम है यहाँ पर वक्त की बड़ी कीमत होती है विद इन टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आप इस बात का ख्याल रखें जब भी आप टी टी या किसी भी कॉम्पिटिव एग्ज़ाम्स का पेपर दें तो आपके साथ घड़ी होना बहुत ज़रूरी है जिस तरह से आप इससे आप टाइम मैनेज कर सकें स्टूडेंट्स चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ़ देखिए मैं इस क्वेश्चन को और मैं आपको टोटल बीस एंगल कम से कम टाइम में गिनाने की कोशिश करूँगा लेकिन इसके लिए आपको फिर बेसिक नॉलेज चाहिए अल्टरनेट एंगल का यानी कि मुतबादला जावियों का करस्पॉन्डिंग एंगल का यानी कि जिसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल नज़ीरी जाविये तो स्टूडेंट्स तो रेक्टेंगल की खसूसियत डायगोनल्स क्या करते हैं वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए रिवाइज़ कर दी मैंने अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ स्वर्ण देखिए रेक्टेंगल के अंदर टोटल कितने एंगल्स कॉन्ग्रेंट एंगल मुतमासिल मसावी जाविये बनते हैं तो पहले तो आप देखें कि रेक्टेंगल है चारों पर 90 एंगल बन रहा है इसलिए यहाँ का 90 यहाँ का ये दो एंगल मसावी यहाँ का भी 90 ये दोनों मसावी ये दोनों मसावी जोड़ी आप देखिए ये एक जोड़ी ये दो जोड़ी ये तीन जोड़ी ये चार जोड़ी ये अपोजिट की पांच और ये एक छः इस तरह से ये छह हो गए नाइन्टी वाले पेयर्स में अब देखिएगा आप कि अल्टरनेट एंगल देखें दो पैरला लाइन्स ट्रांसवर्सल तो ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी ये दो जोड़ी हो गए फिर इधर की देखें पैरल लाइन्स ये ट्रांसवर्सल ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी अल्टरनेट की ये दो जोड़ी होगी मुकबिल के देखिए ये एक जोड़ी ये एक जोड़ी मुकाबिल के गिन लिया हमने अल्टरनेट गिन लिया हमने नाइन्टी वाले गिन लिया हमने टोटल हो गए अब बारह स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि इसके अंदर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कन्ग्यूरेंट है है ना आप देखेंगे कि ये जिला मसावी और ये ज़िला ज़िलो मसावी तो ज़िला आजमाइश से साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट होंगे ये दोनों कन्ग्यूरेंट होंगे तो फिर यहाँ पर मामला ये आ जाता है कि ये एंगल पेयर मसावी इक्वल ये एंगल पेयर इक्वल ये होगी एक पेयर ये होगी दो पेयर इन दो ट्रायंगल में फिर ये दो पेयर ऐसी चार पेयर अब बचा है स्टूडेंट्स मामला कि आप ट्रायंगल के अंदर देखिएगा कि ट्रायंगल के डायगोनल्स मसावी लंबाई के होते हैं वितर मसावी होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक करते हैं तनसीब करते हैं तो ये जिला ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मसावी होगा इस तरह से ये एंगल एक पेयर ये भी मसावी ये एक पेयर ये इसी तरह का यहाँ भी अप्लाई करें आप दो साइड इक्वल दो एंगल इक्वल दूसरी पेयर दो साइड इक्वल ये साइड इक्वल एंगल इक्वल एंगल, एंगल पेयर तीसरी ये चौथी इस तरह से ये चार टोटल हो गया है बीस स्टूडेंट्स ना हमको बहुत पूरे एंगल्स को लिखने की ज़रूरत पड़ी है ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको कॉम्प्लिकेट किया है बड़े सिंपल वे में अगर आप अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल जानते हैं तब आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे स्टूडेंट्स सवाल नंबर नाइनटी सिक्स सवाल देखें दो मीटर ऊंची और सत्तर सम नस्कृत की कायम इस इस्तवानी शक्ल की पानी की टंकी का एक बटे आठ हिस्सा एक नल के जरिए भरने के लिए आधा घंटा दरकार है इसी तनासब में टंकी मज़ीद दो घंटे तक भरी गई तो उस टंकी का बाकी हिस्से में कितने लीटर पानी की गुंजाइश है सवाल स्टूडेंट देखिए सिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें दिया है कि एक कायम मुदवर इस्तेमाल है जिसको सिलेंडर कहते हैं सिलेंड्रिकल एक टंकी है इस टंकी का दो मीटर हाइट है सत्तर सेंटीमीटर इसका निष्कुत्र यानी कि रेडियस है और ये आधा घंटे में हाफ़ अवर थर्टी मिनट्स में कितना बढ़ती है वन बाइट इसके कुल वॉल्यूम का यानी कुल हजम का टोटल वॉल्यूम का फिर दो घंटे तक इसको चलाया गया तो जाहिर सी बात उसी आधे घंटे में जितना बढ़ी उतनी ही प्रपोर्शन के हिसाब से दो घंटे तक ये भरी जाती है और मजीद चार हिस्से बढ़ जाएंगे फोर बाई एट कुल हजम का यानी टोटल ढाई घंटे बाद फाइव बाई एट जो है वो कुल हजम का भर जाएगा यानी थ्री बाय एट पार्ट जो है वो खाली होगा थ्री बाय एट पार्ट तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका वॉल्यूम का फार्मूला है पाए आर स्केयर एच पाए ट्वेंटी टू बाय सेवन आर हाइट मीटर में और ये सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें पॉइंट सेवन का स्क्वायर इनटू टू एक सेवन कट जाएगा स्टूडेंट्स यानी 22 टू इंटू पॉइंट वन इंटू पॉइंट सेवन इंटू टू तो ये हो जाएगा 2.2 पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट फोर इसको मल्टीप्लाई किया हमने वन से डेसिबल एक से लगा दिया इसको मल्टीप्लाई किया डेसिबल एक से पहले लगा दिया इसको आप मल्टीप्लाई करें चौदह दो नहीं अट्ठाइस के आठ हासिल दो चौदह अट्ठाइस और दो तीस डेसिमल दो से पहले थ्री पॉइंट ज़ीरो एट यह आया क्यूबिक मीटर में मुकब मीटर में अब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो वन क्यूबिक मीटर होता है एक हज़ार लीटर स्टूडेंट्स थ्री पॉइंट ज़ीरो एट इसको एक हज़ार से आप मल्टीप्लाई कर दें थ्री ज़ीरोट और फिर ये तीन जीरो लगा दें डिबल दो से पहले लगा दें ये हो गया लीटर में तीन हज़ार अस्सी लीटर ये टोटल वॉल्यूम है इसका तो अब इसका आप आधे घंटे में भरने वाला मतलब वन बाय एट पार्ट निकाल लें देखिएगा एट हिस्सा सिलेंडर का यानी के इस तवाने का वन बाय एट हिस्सा तो थ्री जीरो एट जीरो डिवाइडेड बाय एट तो आठ टी चौबीस छह बचेगी आठ चौसठ चार आठ पंजे चालीस आठ अटी चौसठ थ्री एटी फाइव आठवा हिस्सा थ्री एटी फाइव है तो खाली कितना होगा आप इसके थ्री टाइम्स कर लें तीन पंजे पंद्रह के पांच हासिल का एक तीन अठे चौबीस और एक पच्चीस के पांच हासिल का एक तीन तेरह और एक ग्यारह पचपन यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 97 कुछ संदूकों में मसावी तदाद में किताबें रखी हैं हर संदूक में बिल तरतीब अट्ठाईस या बारह या सोलह किताबें रखी जाए तो हर बार आखिरी संदूक में तीन किताबों की कमी लाक होती है यानी हमको सबसे पहले अट्ठाईस बारह और सोलह इसका एल निकालना होगा देखिए तीनों आदात किससे तकसीम होते हैं ये चार से तकसीम हो जाते हैं चार सता अट्ठाईस चार तिया बारह चार चौक सोलह यानी ये फैक्टर हो गए इनके फोर इंटू सेवन इंटू थ्री इंटू फोर हम निकाल रहे हैं एल सी एम मुश्तरक जो अजाफिया का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये देखिए ये हो गया चार चौक सोलह और ये सात सातिया इक्कीस सोलह का सोलह के छः हासिल का एक सोलह दोनों बत्तीस और एक तैतीस तीन सौ छत्तीस ये एल निकल रहा है अब इसके मल्टीपल लेते जाएं यहाँ ऑप्शन में तीन सौ छत्तीस तो नहीं है इसके मल्टीपल अगर हम लें तो क्या होगा छः सौ बहत्तर होगा इसके थ्री मल्टीपल हैं यानी तीन छः के अठारह के आठ हासिल का एक तीन तीन नौ और एक दस का सीफर हासिल का एक तीन तीन नौ और एक दस तो एक हज़ार आठ किताबें होगी हमको ये कहा है कि मसावी अट्ठाईस अट्ठाईस सर संदूक में रखें या बारह बारह रखें या सोलह सोलह रखें तो आखिरी संदूक में तीन कम पड़ जाती है यहाँ पर देखिए टोटल 108 है तो यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है 1000 1008 है तो ये 1011 यानी तीन बढ़ जाएगी तीन बच जाएगी ये मतलब हो रहा है यानी ये सही नहीं है ये ऑप्शन को हमने कट कर दिया दूसरा देखिए के बराबर छः तकसीम हो जा रही इस तरह से रखे अट्ठाईस अट्ठाईस रखे बारह बारह रखे यानी कमी नहीं हो रही है तो ये भी ऑप्शन गलत है अब बचे हैं ये दो ऑप्शन तो हम इसका तीसरा मल्टीपल देख लिए चौथा मल्टीपल देखते हैं तीन सौ छत्तीस का चार छः के चौबीस के चार हासिल के दो चार तिया बारह और दो चौदह के चार हासिल का एक चार तिया बारह और एक तेरह तेरह सौ चौवालीस अगर कोई किताबें हैं तो तकसीम करेंगे देखिए स्टूडेंट्स तीन की कवि हो रही है याद दिख रहा है आपको के 1341 सौ इकतालीस किताबें तेरह टोटल 1344 सौ किताबें होनी चाहिए हर संदूक में 28, 28, बारह बारह या सोलह सोलह रखें तो सो 1344 सौ किताबें पूरी लगेगी मसावी तौर पर संदूकों में रखने के लिए लेकिन तेरह सौ इकतालीस ही है तो तीन कम पड़ रही है मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है बारह की कीमतें फरोख्त पंद्रह की कीमतें खरीद सवाल नंबर अट्ठा बारह अशिया की फ़रोख्त कीमत पंद्रह अशिया की ख़रीद कीमत के मसावी उस कारोबार में कितना नफ़ा या नुकसान होगा पहला ऑप्शन 25 परसेंट नफा 20 दूसरा ऑप्शन 20 परसेंट नफा तीसरा है 25 परसेंट नुकसान और चौथा है 20 परसेंट नुकसान तो स्टूडेंट्स पंद्रह अशिया जितने पैसे में खरीदी उतने में बारह अशिया फरोख्त कर दी यानी तीन चीजें नफ़े में हासिल हुई जितने पैसों में पंद्रह चीज़ें लिए थे उतने पैसों में बारह भी दिए यानी कि तीन नफ़े में हुई बारह पर तीन नफ़ा हुआ है यानी एक बटे चार एक बटे चार को परसेंट में कन्वर्ट करें तो पच्चीस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यह आ गया जवाब पच्चीस परसेंट देखिए स्टूडेंट्स इतना सिंपल ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना यानी सही जवाब यहां पर होगा नंबर एक पच्चीस परसेंट नफ़ा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन दौड़ में शर्क चार खिलाड़ियों के ज़रिए तयशुदा फ़ासला मुतबाद में दिखाया गया है जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको ये जो मेज़रिंग यूनिट्स हैं मालूम होना चाहिए हेक्टोमीटर सौ मीटर डेका मीटर।, मीटर दस मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर का दसवां और सेंटीमीटर मीटर का सौवा तो स्टूडेंट्स आपको पहचानना है कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा फासला तय किया है और आप इसको सबको मीटर में बदलने की कोशिश करें इसको सौ से मल्टीप्लाई करेंगे आप हेक्टोमीटर को मीटर में करने के लिए तो ग्यारह हज़ार पांच सौ मीटर बन जाएगा पॉइंट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा ये है डेसी मीटर यानी मीटर का दसवां आप इसको दस से तकसीम कर देंगे तो मीटर में यह बन जाएगा नौ हज़ार सत्ताईस और ये तो मीटर में है डेका मीटर यानी दस मीटर दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसी इधर सरक जाएगा बहत्तर छहत्तर पॉइंट तीन मीटर तो स्टूडेंट देखिएगा सबसे ज़्यादा मीटर कौन सा है ग्यारह हज़ार पाँच सौ मीटर यानी ये पहला ऑप्शन ये सही ऑप्शन है तो स्टूडेंट्स के लिए आपको ये जो बेसिक मालूम है कि हेक्टोमीटर डेका मीटर मीटर सेंटीमीटर ये मालूम होना चाहिए नेट क्वेश्चन एक घड़ी में सुबह आठ का दोपहर बारह बजे के दरमियान मिनट की सुई और घंटे की सुई से बनने वाले कायमा जावियों की तदाद शाम चार का छः बजे तक के दरमियान बनने वाले कायमा जावियों की तदाद से कितनी ज़्यादा होती है आठ से बारह और चार से 6 इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कितने कायम जाविए ज्यादा होगी। आठ से बारह दो पैर इसमें कितने कामज जाविए? यानी कि राइट एंगल्स बनते हैं नाइन्टी डिग्री एंगल बनते हैं है। और छ से आठ इस आठ से बारह यानी कि आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह ग्यारह से बारह देखिए जब घड़ी में छः सात आठ यहां बारह आठ से थोड़ा पहले यानी जब कांटा इधर हो ये सात और आठ के दरमियान घंटे का काटा होगा यानी आठ बजने से पहले का वक्त उस दौरान में यहाँ कहीं तो भी नाइन्टी डिग्री बनेगा लेकिन आठ से आगे तो आठ से नौ के दरमियान में सिर्फ जो है तो एक ही नाइन्टी डिग्री बनता है आप ये हमेशा याद रखिएगा अब इसके बाद जो देखिए कि नौ से दस नौ बजे से दस बजे के बजने के दरमियान दो मरतबा कायम जाविया बनता है आप घड़ी से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या इसको याद रख लीजिए दस से ग्यारह में भी दो मरतबा बनता है ग्यारह से बारह में भी दो मरतबा ये टोटल आठ से बारह के दौरान टोटल सात बार नाइन्टी डिग्री एंगल बनता है और छः से आठ के दरमियान देखिए तो छः से सात में दो बार और सात से आठ में दो बार ऐसे टोटल चार बार नाइन्टी डिग्री एंगल बनता है तो कितना ज़्यादा हुआ फिर ये इसमें सात बार इसमें चार बार यानी कि तीन एंगल नाइन्टी डिग्री ज़्यादा बनते हैं